डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आज हम लोग ड्रिलिंग मशीन का ऑपरेशन सीखेंगे कि ड्रिलिंग मशीन किस तरह से ड्रिल करती है, और आज हम मशीन के कंपोनेंट के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जिसके सामने हम खड़े हुए हैं ये है वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन। इस वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन से हम 5 to 10 mm तक का होल क्रिएट कर सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं इस साइड में, ये होता है बेस, इसको बेस ऑफ द ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ये जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है ये वर्टिकल मेंबर, इसको हम कॉलम बोलते हैं, ये कॉलम है। और यहाँ पर गियर मैकेनिज्म दी हुई है, और अब हम आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाते हैं। इसके लिए हमने एक वर्कपीस लिया हुआ है, एक ट्रेंगुलर वर्कपीस है। इस ट्रेंगुलर वर्कपीस में हमें होल क्रिएट करना है, जिसके लिए हमने ड्रिल सेटअप लगाया हुआ है। ये हमारा ड्रिल चक में, ये ड्रिल चक होता है, इस ड्रिल चक में हमने ड्रिल बिट को लगाया हुआ है। ये ड्रिल बिट क्या है, ये होल क्रिएट करेगी। इस ड्रिल बिट में ये आपको जो फ्लूड दिखाई दे रहा है, इस फ्लूड से जितना भी एक्सेस मटेरियल होता है, जो भी चिप्स प्रोड्यूस होती हैं, वो चिप्स जो हैं वो बाहर की ओर एग्जल्ट होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट आवर एक्सपेरिमेंट। ये मैंने ड्रिल मशीन स्टार्ट की, और ड्रिल स्टार्ट करने के बाद इस ड्रिल हैंडल से मैं सबसे पहले उसको नीचे की ओर स्लाइड करूंगा। ये मैंने सेंट्रिंग की, और ये मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। भैया इधर करिए वर्क पीस पे, ये स्टॉपर से मैंने इसको स्टॉप किया है। ये स्टॉप हुआ है, और अब ये जो होल क्रिएट हुआ है ये अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन अभी लगभग 1.5 mm का होल इसमें क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ड्रिल मशीन के नोमेनक्लेचर और ऑपरेशन को आपने देखा, इसकी स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलिंग मशीन और ग्राइंडिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।